ऐसा नहीं है कि किसी भी पत्थर को पूजने लगे हम लोग एक प्रोसेस दिया हुआ है वैदिक शास्त्रों के हिसाब से यहाँ पर तो सर्वों के हिसाब से शास्त्रों में जो तो बात करिए एकदम मैच कर रही है

महानायक श्री अमिताभ बच्चन जी की वीडियो है भार। और दूसरे हैं बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान अरे को है क्या तू... तो चलिए शुरू करते हैं हरे कृष्णा सब्सक्राइब करिए हमारे शिक्षा चैनल को और प्रेस करिए इसके बेल आइकन को ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आप देख सके हरे कृष्णा सो so, अभी हम हाँ रिएक्ट करने वाले हैं अमिताभ बच्चन की बेविसाल मूवी के ऊपर कौन सी उनकी मूवी है बेमिसाली नहीं, नहीं, मूवी का नाम है ओ। जी तो चलिए तो शुरू करते हैं आ, ये भी अच्छा कविता जी आपको ऐसा नहीं लगता कि पहलगाम ऐसी जगह है जहाँ बार बार आना चाहिए हाँ, वो तो आ, तभी तो तभी तो है। तभी तभी अच्छा एक बात आपको मालूम प्रशांत तुझे नहीं मालूम सुन ले इंडिया में जितने भी हिल स्टेशन हैं सब के सब अंग्रेजों ने डिस्कवर किए थे एक कश्मीरी है जिसे मुगलों ने डिस्कवर किया था अच्छा आ, ये बात तो मुझे पता ही नहीं थी कि मुगलों ने कश्मीर अमिताभ बच्चन कभी गलत हो नहीं सकता के केबीसी है? चलाते हैं सवाल करते है, देते हैं देता है इनको सब कुछ पता है अगर मैं प्रूफ दिखा दू तो आप ये कहना चाहते हैं अमिताभ बच्चन गलत है पहले दीप्रभुको एक बात बताओ कि मुगल ने सबसे पहले इंडिया को इन्वेट कब किया था देखो इसका जवाब मुझे पता है पंद्रह सेंचुरी में ओके ठीक है फिफ्टीन सेंचुरी में यस yes. मैं आपको एक टेम्पल बताता हूँ जो कश्मीर की वैली में है जो कि एट्थ सेंचुरी से है क्या बात कर रहा हूँ मतलब मुगलों के आने से पहले वहाँ कश्मीर था और उसमें मंदिर भी था हाँ किसका मंदिर था मंदिर था सूर्यदेव का जो बनाया था ललित आदित्य जो राजा थे उस टाइम पे वहाँ पे करकोटा डायनेस्टी के राजा थे उन्होंने बनवाया था और ये बहुत भव्यशाली मंदिर था

तो कि इस, कि इस, इस्लाम तो तब तक तो था ही नहीं तब तो मुगल थे नहीं आ? उससे पहले मतलब वहां पे शंकराचार्य जी का टेम्पल एग्जिस्ट करता था आ? ये बात तो आपने मुझे पर अमिताभ बच्चन गलत कैसे हो सकता है ब्रो अगर आप इससे अभी भी नहीं है, तो इसका मेरे पास एक और प्रूफ है नीलामत पुराण आप कह रहे हैं कि पुराणों में भी कश्मीर के बारे में जिक्र है ओ, क्या बात कर रहे ये तो नहीं सुना था नहीं सुना था निलमित पुराण में जो वर्णन आता है ये वर्णन आता है ऋषि वैश्व और राजा जन्म के कॉन्वर्सेशन में जन्म नाम सुना आपने आ, अच्छा मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ अर्जुन के पुत्र कौन थे अर्जुन के पुत्र थे अभिमन्यु अभिमन्यु यस यस अभिमन्यु के पुत्र कौन थे राजा परीक्षित नहीं जल्दी मिल गया और राजा परीक्षित के पुत्र जन्म जय यस राजा परीक्षित के पुत्र हुए जन्मेजय तो जन्मेजय और ऋषि वैश्व प्यान के बीच में कॉन्वर्सेशन होता है तो वो जानना चाह रहे हैं कि उनके लिनीज में क्या हुआ पहले के है ना कैसे महाभारत युद्ध कैसे हुआ हाँ। तो ये वहीं से कॉन्वर्सेशन इसमें पुरान में चालू होता है तो राजा जन्मेजय पूछते हैं कि जब महाभारत का इतना बड़ा युद्ध हो रहा था तो इतने बड़े बड़े कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था उसमें है ना वो लोग सब युद्ध करने आए थे तब उन्होंने पूछा कि कश्मीर जो इतना इंपॉर्टेंट सिटी है वो पार्टिसिपेट करने क्यों नहीं आया क्या बात कर रहे हो मतलब राजा इस ये पूछा कि कश्मीर ने क्यों नहीं महाभारत में पार्टिसिपेट किया और ये जो श्लोका है दिस इज द थर्ड एंड फोर्थ श्लोका मतलब फोर्थ फिफ्थ श्लोका है आप लोग स्क्रीन पे दे देख सकते हैं ये श्लोका में उसमें डायरेक्ट संस्कृत में लिखा है कि कश्मीर उसमें वर्ड यूज किया गया कि कश्मीर में क्यों नहीं कश्मीर क्यों नहीं पार्टिसिपेट करने आया उस युद्ध में इतनी इंपॉर्टेंट सिटी होने के बाद ये चीज तो मुझे पता नहीं थी इस बारे में तो लिंक इस पुरान का डिस्क्रिप्शन में है और भी रेफरेंसेस इसके जो भी हम स्क्रीन पे दिखाएंगे आप लोग खुद भी जाके पढ़ सकते हैं yes. अब कैसे पता चलेगा कि जो कश्मीर की जो बात हो रही है वो प्रेजेंट डे कश्मीर ही है yes, या ये ये उसके आसपास ये वही है या, ना यही मैं भी सोच था कि कश्मीर मतलब कुछ क्या पता किसी चीज़ को और, और चीज़ को भी कश्मीर कश्मीर हो है ना तो जितना जो डिस्क्रिप्शन है मिलता है उसमें वी कैन अंडरस्टैंड वी कैन गेट द पॉइंट कि हाँ भैया ये कश्मीर की बात की जा रही है इसके लिए अभी डिस्कस करते हैं इसमें हमारे पास एक जियोलॉजिकल फाइंडिंग भी है जो हम इसमें बाद में डिस्कस करेंगे ठीक है तो फर्स्ट पॉइंट इसमें जो है जब नील जो है नीला जो है जब उनको पता चलता है कि कश्यप मुनि भ्रमण करने निकले हैं तीर्थ यात्रा पे और वो नॉर्दर्न स्टाइल नॉर्दर्न स्टेट के यहाँ आ चुके हैं आसपास है ना तो वो जाते हैं नीचे कहाँ कंखल में कंखल इज वेर हरिद्वार के पास उत्तराखंड साइड उत्तराखंड साइड नाउ प्रेजेंट डेज उत्तराखंड है ना कंकल इज देयर स्टिल है तो कंकल जाते हैं वो विजिट करने और वहाँ उनको जाते हैं इनवाइट करने के आप फादर आप इतनी जगह नॉर्थ आप इतनी जगह साउथ ईस्ट वेस्ट जगह होके आए हैं तीर्थ स्थान करके आए हैं अब आप नॉर्थ इन साइड पर भी चलिए नॉर्थन डायरेक्शन में चलिए वहाँ पर भी बहुत सारे तीर्थ स्थल हैं अच्छा तो ये हंड्रेड वर्ष में आता है और उसके बाद वन हंड्रेड एंड फाइव वर्ष में बताते हैं क्योंकि वो डिस्क्रिप्शन बता रहे हैं कि वहाँ कौन से कौन से तीर्थ स्थल हैं तो उनमें से एक जगह वो डिस्क्राइब कर रहे हैं कि

वो जम्मू कश्मीर के प्रोविसेज से निकलती है देवी की रिवर है मतलब तो साथ साथ ये नहीं कश्मीर वर्ड यूज़ किया ये डायरेक्शन भी बताई है एक्सचेंज प्लेसेज काफ़ी सारी चीज़ें <laughs> बताइए जो कुछ समय के साथ लुप्त हो चुकी हैं अब नहीं अवेलेबल कुछ इन्वेजन के बाद टूट गए हैं कुछ डिस्ट्रॉय कर दिए गए हैं काफ़ी स्पॉट्स हैं है ना तो, है। तो जो बचा हुआ है उनमें से काफ़ी कुछ चीज़ें कुछ रिजेम्बलेंस हैं उसमें से अभी भी जैसे हिमालयन माउंटेन है हमारे पास अभी भी देन उसके बाद जब वो जाते हैं और जब उसमें बीच में डेविस्टेशन देखते हैं कि जो जलोद्भाव है उसने बहुत डिस्ट्रक्शन किया हुआ है तो उसके कंसर्न को लेकर जब कश्यप मुनि जाते हैं ब्रह्मा जी के पास प्रे करते हैं और जब ब्रह्मा जी राजी हो जाते हैं वो विष्णु जी को बुलाते हैं और शिव जी आते हैं अनंत शेष भी बाई चांस वहाँ पे होते हैं अनंत भी होते हैं बलराम जी है। बलराम जी तो वो सब आते हैं इस डीमन दी, को संघार करने के लिए और बाकी सारी देवी देवता भी क्योंकिंग के लिए बहुत स्पोर्टिंग इवेंट है तो वो सब भी अपने अपने विमानों पर आते हैं और वहाँ पर विजिट करने आते हैं तो जब वो विजिट करने आते हैं तो अनंत भगवान विष्णु अनंत शेष को बोलते हैं वन सेवेंटी फोर्थ वर्स में के करीब वन सेवेंटी फोर्थ वर्स में बोलते हैं कि आप यू नो ये जो दाना उसको है उसको शक्ति है इसके पानी में रहने पानी से मिल तो आप इसका जो बांध है यू ना जो पहाड़ की वजह से जो पहाड़ है जो माउंटेन्स है उसकी वजह से ये बांध टाइप रुका हुआ है बांध बना हुआ है आप इस, इसको बीच में से तोड़ दो अपने प्लो से ताकि क्या पानी बाहर निकल जाएगा हाँ, अपने हल से और हल तो तो बलराम जी ने अपने हल से उस माउंटेन को दिया। दिया। तोड़ दिया और वो पानी जो है बहुत तेजी से बहने लगा नीचे ठीक है अब क्या हुआ उसके बाद जब ये पूरी स्टोरी फिनिश हो जाती है जब इनको दानव को मार दिया जाता है तो तो वहाँ पे आ, कश्यप मुनि जो है लॉज इंस्टिटेट करते हैं कि ऐसे ऐसे है ना नील को बोलते हैं कि ऐसे ऐसे आपके निर्देशन में ऐसे ऐसे ये आ, लोग बच सकते हैं यहाँ पे आके और ऐसे ऐसे गाइडेंस फॉलो करेंगे तो भगवान आ, क्या करते हैं कि जब उनसे प्रसन्न होकर क्योंकि कश्यप मुनि ने प्रे किया होता है इस चीज़ के लिए ये असुर को हटाने के लिए तो कश्यप मुनि के नाम पे कश्मीरा करके इस जगह का नाम पड़ जाता है कश्यप कश्मीरा और दूसरा एक और रीजन जो इसका नाम कश्मीरा पड़ा वो था क्योंकि बलराम जी ने जो पानी था यहाँ से अपने प्लो से निकाला था तो पानी के लिए भी का वर्ड यूज किया जाता है ओ। का है ना तो इसलिए कश्मीरा इसको फिर से कश्मीरा बोला गया।, गया है ना दीप्रो आप एक बार मुझे बता रहे थे ना कि आपने जियोमॉर्फोलॉजी जो मतलब स्टडी ऑफ फील्ड होता है है ना आपने वो एक उससे रिलेटेड कश्मीर से बुक पढ़ा था वो, वो, कई लोग भरी तो हुई तो हो जाओगे, हो जाओगे थी पानी से इवन एक जियोमोरफोलॉजिकल सर्वे हुँ। 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 हुआ था ये किसने किया था वर, मतलब ये एक बुक पब्लिश हुई थी कश्मीर हिमालयास के ऊपर इसको पब्लिश किया था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ जियोमोरफोलॉजिकल अलाहाबाद ने तो इस बुक में अगर आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे उसमें एक बताया गया है कि एक्चुअली कई मिलियन ईयर्स पहले जो कश्मीर था वो एक लेक हुआ करता था पानी से पूरी तरह से भरा हुआ है वेस्ट टाइम कुछ हुआ जिस वजह से सारा पानी बह गया फिर उसके ऊपर सता ऊपर आई और फिर वहां पर एक सिटी बसी तो जैसे आप बता रहे थे ना कि कश्यप मुनि ने एक हुआ मुता जो जो था तो बलराम जी ने वो पानी निकाला तो यहाँ पर ये तो बात इवन रिसर्च के सर्वे किया गया तो ये साबित होता है कि जो कश्मीर की वैलीज है ये सब पानी, पानी से पहले सब पानी था यहाँ पर तो सर्वे के हिसाब से इतना ही पता कर पाए बट ये शास्त्रों में जो बात करिए एकदम मैच कर रही है तो ये कह रहा है कि

कि कश्मीर बुगलोरे ढूंढा है खैर अब गलतियां तो होती रहती हैं बड़े बड़े एक्टर से बड़ी-बड़ी गलतियां हो जाती है, so इसके अलावे भी कोई है? तो ये है की। उनका पीके। पीके तो भगवान का बैटेरिया खत्म हो गई है थोड़ी देर चले फिर लुल हो गए क्या, क्या क्या मतलब मतलब नया बैटरी लगा दो किधर लगता है तो काम काज नहीं कर रहा है मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है का? अरे कोई डिफेक्टी पीस नहीं बनाते भाई हम ये भगवान को आप बनाया दिया, अपने इन हाथों से आप भगवान को बनाया कि भगवान आपको भैया भगवान ने हम सबको बनाया है हमने तो सिर्फ इनकी मूर्तियां बनाई हैं कहे बना हुआ तो उनकी मूर्त ताकि हम इनकी पूजा कर सकें अपने सुख दुख की बातें कर सके अरे भीतर डिजाइन फिट है का भगवान तक बात पहुंचत कैसे है रो तो आपको पता है मैंने यहाँ पे रोका क्यों क्यों ऑल दो बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट है ना कि आ, भगवान कैसे सुन सकते हैं मतलब क्या ट्रांसपॉन्डर लगे क्या इसके अंदर हाँ। अक्सर ये लोग करते तो हैं सवाल कि ये तो बुरा था इसमें कैसे सुन रहा है भगवान? हाँ। तो क्या आपके पास तो इसका कोई आंसर है इसका सिंपल आंसर है कि भगवान सिंस भगवान अनलिमिटेड है हाँ। तो भगवान अनलिमिटेड है तो वो कुछ भी कर सकते हैं हाँ, तो है। अब सिंस भगवान ऑल पावरफुल है तो वो मैटर को स्पिरिट में कन्वर्ट कर सकते हैं क्योंकि कई लोग सोचेंगे कि ये तो मैटर है ना भगवान तो स्पिरिट है है ना तो मैटर कैसे है फिर मैटर में कैसे कर सकते तो भगवान अगर स्पिरिट हैं और ऑल पावरफुल हैं तो वो मैटर को भी कन्वर्ट कर सकते हैं अगर नहीं कन्वर्ट कर सकते तो मतलब मैटर ज़्यादा पावरफुल हुआ स्पिरिट से भगवान से ज्यादा पावरफुल मैटर हुआ yes. तो फिर तो गॉड का डेफिनेशन गलत हो गया भगवान नहीं हुए बट uh -huh. भगवान क्योंकि ओमनी पोर्टेंट हैं तो वो मैटर को भी स्पिरिट में कन्वर्ट कर सकते हैं है ना कर सकते हैं चाहे तो तो इसलिए भगवान जो है अपने आप को मूर्ति के रूप में भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं और दीप प्रो जो लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि कैसे भगवान अपने भगवान कैसे ऐसे मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपने आपको मूर्ति के रूप में है ना? तो क्या ये एक लिमिटेशन नहीं हुआ भगवान के ऊपर कि भगवान सब कुछ कर सकते हैं बट मूर्ति के रूप में नहीं आ सकते ये हाँ। सब कर सकते बट ये नहीं कर यास सकते यास यास एक तरीके से देखा जाए तो आप भगवान को पहले बोल रहे सब कुछ कर सकते हैं

ये बात सही है कि ये मैटर प्योर नहीं होता बट भगवान तो प्योर है भगवान अगर भगवान भगवान सबसे प्योर है तो वो मैटर के फॉर्म में टच में आए तो मैटर को प्योर कर देते हाँ, हैं बट अगर भगवान मैटर से कंटामिनेट हो जाए तो मतलब मैटर पावरफुल हुआ हाँ अगर अगर मैटर भगवान को अशुद्ध कर दे रहा है तो भगवान की ताकत कम है ना मैटर की ताकत हाँ तो इसलिए भगवान क्योंकि ऑल पावरफुल हैं और प्योर हैं इसलिए वो मैटर को भी चेंज कर देते हैं स्पिरिट में उसको भी प्योर कर देते हैं यस yes. है ना और ये कहना कि भगवान इस चीज में नहीं आ सकते ये तो उल्टा भगवान की अनलिमिटेडनेस में लिमिट लगाना होगा कि आप भगवान लिमिटेड नहीं भगवान अनलिमिटेड नहीं कुछ चीजें नहीं कर सकते भगवान ये yes. डेफिनेशन पे yes. ब्लॉक करना हुआ है भगवान के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाना बट आपकी बात सही है भगवान है ऐसे कर सकते हैं बट मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर भगवान अनलिमिटेड है तो उनको क्या जरूरत है अपने आप को लिमिट में रखने की अनलिमिटेड रहिए क्या दिक्कत है जैसे लोग बोल रहे हैं ना कि भाई क्या जरूरत तो है मूर्ति की तो अनलिमिटेड रहिए भगवान को क्या जरूरत है अपने आपको लिमिट करने की बहुत अच्छा क्वेश्चन है सिंपल आंसर है ताकि हम इजीली एक्सेस कर सकें भगवान को एक एग्जांपल लेके समझा दो जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है हमारे कंट्री के हाँ। क्या आप उनको इजीली एक्सेस कर सकते हो <laughs> नहीं नहीं, नहीं कोई नहीं, कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं कर सकता क्यों क्योंकि उनके आसपास जाना आपको पहले उनके पास जाना है तो आप मिल सकते हो इवन देन प्रेसिडेंट के आसपास भी इतने बॉडी सिक्योरिटी है तो आप उनके पास भी नहीं जा सकते बट वही प्रेजिडेंट का पोता जो है वो प्रेजिडेंट के पास भी जा सकता है है ना प्रेसिडेंट वहां जो अनलिमिटेड जो बोल सकते हैं बच्चे के लिए एक अनलिमिटेड सिक्योरिटी है जो बच्चा अपने आप से क्रॉस नहीं कर सकता क्योंकि वो लिमिटेड है अपने स्ट्रेंथ में वही अनलिमिटेड सिक्योरिटी को जो प्रेजिडेंट है वो हटा देते हैं ताकि बच्चा जो है इजीली एक्सेस yes. कर पा रहा है yes. हाँ. तो वो एक्सेस कर पा रहे हैं उनको रहे है, उनको छू हाँ, पा रहे हैं उनसे बात बाहर उनसे बात कर पा रहा है ना केवल यही वो प्रेसिडेंट को धक्का भी देके प्रेसिडेंट को गिरा देता है और उस, उनके ऊपर चढ़ के आटा घोड़ी खेलते हैं है ना तो ऐसा क्यों होता है क्योंकि प्रेसिडेंट जो है वो विलिंगली चाहता है कि अपने अपने पोते के साथ वो रेसिप्रोकेट करे है ना उसके साथ वो एक रिलेशनशिप डीलिंग करे है ना वो आ, लविंग एक्सचेंज हो है।, है ना वो रिलिश करने के लिए वो अपने जो अनलिमिटेड उसके लिए बच्चे के लिए जो अनलिमिटेड सिक्योरिटी परसीव हो रहा है आ, उसको हटा देता है तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि भगवान ऑल दो अनलिमिटेड है बट बिकॉज हम लोगों की लिमिटेशन है हम लोग हर चीज तो नहीं देख सकते हमारी आइस की एक लिमिटेशन है कांध की एक लिमिटेशन है सो yes, yes. so उसको ध्यान में रखते हुए भगवान अपने आप को लिमिट करते हैं उस लिमिटेशन में भगवान अपने आप को अनलिमिटेड ही रखते हैं बट yes, yes. हम लोगों की एक लिमिटेशन है हमारी मजबूरी है उस इसलिए भगवान अपने आप को विग्रह रूप में दिखाते हैं सो so प्रोजी मेरा सवाल आपसे ये आ जाता है कि yes. इस हिसाब से क्या हर पत्थर को मूर्त बना के पूजने लगे हम लोग

स्पेसिफिक uh, डीटी बनाने के लिए मतलब ये मैं कहना चाह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि, कि किसी भी पत्थर को पूजने लगे हम लोग hmm. एक प्रोसेस दिया हुआ है वैदिक शास्त्रों के हिसाब से जैसे hmm. पंचतंत्र का विधायक बोलते हैं भगवान hmm. ने खुद दी है कि, कि किस तरीके से भगवान की पूजा करनी है किस तरीके से भगवान की का फॉर्म, है, फॉर्म है बनाना जो हम मूर्ति बनाते हैं वो भी अगर बनाने तो किस तरीके से बनाई जाए क्या तरीका है और फिर उसको कैसे पूजा जाए कैसे उसमें प्राण प्रतिष्ठा की जाए कैसे उसको मतलब भगवान ऐसे कोई फरनेटिक की तरह से नहीं है इसमें इसमें भी एक प्रोसेस है अगर उसको हम

फिट है का भगवान तक बात पहुंचत कैसे है हा? अरे भगवान को किसी ट्रांसमीटर की जरूरत नहीं पड़ती वो डायरेक्टली सुन लेता है डायरेक्टली सुनता है तो फिर ये मूर्त की क्या जरूरत है अरे क्या करूं इसका यार धंधा बंद करवाएगा क्या आपने एक बात नोटिस करी प्रो मैंने एक चीज नोटिस की है बॉलीवुड या मूवीज में जब भी कोई वैदिक या फिर हमारे हिंदू सनातन धर्म के बारे में चीजें होती हैं तो

कोई व्यक्ति क्वांटम फिजिक्स के बारे में समझना चाह रहा है, ना? वो जाता है एक बुक शॉप पे, बुक हाँ। कीपर, जो कीपर पेपकीपर है कि भाई ये क्वांटम फिजिक्स ऐसे क्या कैसे करता है, जबकि वो क्योंकि वो क्वांटम फिजिक्स की जो बुक सेल कर रहा है हाँ। इस कारण बस वो उससे पूछता है कि ये फिजिक्स कैसे काम कर रहे नहीं ढंग से आंसर ऑथोराइज पर्सन टू आंसर ऑन है तो ऑथोराइज सोर्स से जाके पूछना चाहिए पर देखा मूवीज में बॉलीवुड जैसे मूवीज में यहाँ पर क्या करते हैं कि उस अनऑथेंटिक उस व्यक्ति से आंसर दिलवाते हैं और दिखाते हैं पूरी कम्युनिटी ऐसे ही सोच रही है हाँ। पर हम ऐसा नहीं सोचते बट आप क्या इसमें आप क्या आंसर देना चाहेंगे इसने बोला है कि जब भगवान से बिना मूर्ति के प्रे कर जा, की जा सकती है तो इन सब की जरूरत क्या है क्या जरूरत है मूर्तियों की टेम्पल की आपको क्या लगता है क्या आंसर देना चाहिए तो so, हाँ ये बात तो सही है कि देखो भगवान तो हर जगह हर जगह है, है ना हर जगह हमारी बात सुन सकते हैं हर जगह प्रे हम करें तो भगवान सुन सकते हैं हाँ. है ना बट हर जगह हम भगवान को एक्सेस नहीं कर सकते कैसे मतलब फॉर एग्जाम्पल वाटर वेपर्स के रूप में वाटर जो है हर जगह अवेलेबल है

अगर पानी प्यास लगी है तो आपको नलके के पास या टोटी के पास जहां से पानी निकल रहा है वहां जाना पड़ेगा so, वैसे ते... भगवान तो हर जगह है बट डीटी का जो आपने बात किया बोश लोग इस चीज पे ज्यादा ध्यान नहीं देते तो दीप्रो आप देखोगे इनकी वीडियो में ये निकल के आ रहा है कि हम सिर्फ मू डी के पास जाते हैं या फिर टेम्पल जाते हैं तो सिर्फ एक ही पर्पज़ के लिए जाते हैं कि भैया प्रार्थना करने के हाँ। भैया दे दो दे दो है ना बट हमारा केवल पर्पस भगवान के पास जाना सिर्फ प्रार्थना नहीं है भक्ति की हाँ। विधियों के, के प्रोसेसिस में काफ़ी प्रोसेसिस हैं जिसमें से वंदना प्रार्थना करना एक पार्ट है बट उससे ज़्यादा और भी चीज़ें हैं जैसे और क्या चीजें जैसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं एक फादर और सन के रहे हैं ना तो सन जो है अपने फादर के पास केवल हमेशा पैसे मांगने या चॉकलेट मांगने नहीं जाता कि चॉकलेट <laughs> दे दो चॉकलेट दे दो चॉकलेट दे दो है ना वो जाता है वो, वो अपना रिलेशनशिप टाइम स्पेंड करता है फादर <laughs> के साथ फादर से चीज़ें सीखता <laughs> है फादर के साथ एक लविंग रिलेशनशिप है रेसी प्रोकेशन है खेलता है कभी उनके सर पे चढ़ता है कभी उनके बाल खींचता है कभी उनसे डांट भी खाता है डांट भी खाता है, है ना तो ये एक loving exchange है। अगर so, अगर कोई बेटा अगर फादर से सिर्फ पैसे मांगने जा रहा है और भी चीजें तो एक सुप्रीम फादर है और हम सब है ना इंसान जानवर और हम सब जो हैं हम सब जो है भगवान के अंश है, है ना, हम भगवान की संतानें हैं गीता में तो कृष्णा बोल ही हैं, हम भी, भी पता हूँ तो पिता के सामने सिर्फ प्रार्थना करने या भीख मांगने नहीं जाते कि दे दो भगवान हमारे वो थोड़ी है कि कस्टमर केयर थोड़ी, थोड़ी हेलो फोन खराब हो गया बताइए क्या करना है हाँ सर बताता हूँ भगवान ऐसा थोड़ी है और साथ में हमें ना केवल क्योंकि जब डिटीज है तो वहाँ पे टेंपल भी है और डिटीज है तो वहां पे इतना ऐसा एटमोस्फेयर रहता है जहाँ पे हम सीख सकें सीख सके हम लोग ऐसे गॉड कॉन्शियस लोगों से सीख सके वैल्यू सीख सके उनसे नॉलेज सीख सके उनके उनसे इस वर्ल्ड की रियलिटी के बारे में सीख सके आज पास स्क्रिप्ट है ना सही बात कही आपने कि अगर मंदिर अगर मूर्ति है तो मंदिर भी होगा हाँ। और जहाँ मंदिर है वहाँ पे भक्त भी होंगे उनके डिवोटीज भी होंगे तो सी बात है हम अगर वहां जाते हैं तो हमें ऐसा संग मिलता है सिर्फ प्रार्थना नहीं है हम वहां जाके ऐसे लोगों का संग ले पाते हैं ऐसे गुड पीपल का गुडनेस में रखते हैं तो एक्चुअली हमें हेल्प करता है में रहने में। और, और कर, अगर आप गुडनेस जा रहे हो तो आपको सेवा का मौका भी मिलता है ना वहां रहने जाके लोगों की सेवा कर सकते अपने टैलेंट को सकते हो शॉर्ट फिल्म बनाने में काफी चीज कर सकते हो लोगों को बहुत गलत एक्चुअली धारणा बना रखे कि मंदिर में सिर्फ प्रार्थना ही करने जाना जाते हैं। ऐसा नहीं है मंदिर, है। मंदिर में बहुत सारी चीजें मंदिर में करते हैं, लोग कीर्तन की करने आते हैं, है। लोग फ्रस्ट्रेटेड होते हैं मंदिर में आते हैं बैठते हैं उनको एक पीसफुल एटमोस्फेयर मिलता है जहाँ पे रहने आपको वो शांत कर पाता है और मोर इम्पोर्टेंटली हम ये कल्चर और कल्चर ऑफ वैल्यूज जो है हम प्रिजर्व कर पाते हैं ग्रेटिट्यूड है ना कंपैशन ऐसी चीजों को हम सीख पाते हैं है ना इसलिए आप देखो जो स्पिरिचुअलिस्ट होते हैं जो स्पिरिचुअल जो भगवत गीता पढ़ रहे हैं जो स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं वो एनिमल किलिंग और इन सब अहिंसाओं से बच के रहते हैं yes. इवन देखो ना अगर आप सोसाइटी में डीटीज होते हैं मंदिर हो गए तो कितना कुछ सोसाइटी की तरीके अच्छे तरीके से बैलेंस होकर चलती है बच्चे पेरेंट्स अपने आप को कल्चरल वैल्यूज देने के लिए टेम्पल लाते हैं और जब भगवान सेंटर में रहते हैं तो फैमिली भी एक गॉड सेंट्रिक रहने के कारण सबके जो सबके बीच में डीलिंग्स भी जो है वो बहुत आ, हेल्दी होते हैं ना कि जनरली लोग अपने आप को सेंटर में ले आते हैं है ना और उस वजह से फिर फैमिली में क्लासेस होते हैं क्योंकि कौन सेंटर में, में, में आएगा अगर डीटीज है मूर्ति है है मंदिर तो फेस्टिवल्स भी और अच्छे लगते हैं अब देखो लोग अब घर में लोग बैठे बैठे फेस्टिवल्स बनाते हैं पर एक टाइम था लोग मंदिर आते थे एक लोगों की काफी लोग एक साथ मिलते थे गैदरिंग होती, होती थी इन्जॉय करते थे हैप्पीनेस एक एक्सचेंज होती थी तो कहीं ना कहीं सिर्फ प्रार्थना नहीं करने जाते इस मूर्तियों का सिर्फ प्रार्थना से नहीं वो तो आप ठीक है आप घर पे बैठ के करिए बट इतनी सारी चीजें भी तो हैं जो आप अकेले नहीं कर सकते आपको एसोसिएशन uh, मिल रहा है आपको कल्चर मिल रहा है आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है सर्व करने की एसोसिएट करने की दूसरों से आ, अपनी अपनी स्किल्स uh, को इनहैंस भगवान की सेवा में लगाने का सर्विस करने का आप अपने पूरे सेंसेस सेंसेस को पूरे एंगेज कर सकते हो जैसे भगवान को डेकोरेट करना भगवान को दर्शन करना भगवान के बारे में सुनना पैरों से भगवान के यू नो घर

Yes. तो बट ये है कि लोग बहुत छोटा सोचते हैं कि भगवान के सामने सिर्फ मांगने जाएंगे हम तो नहीं जाते हमारा तो भगवान का रिश्ता है और एज अज अ फादर और जैसा मैं हम लोग उनके बच्चे हैं तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है समय समय उनके पास जाना उनके साथ समय बिताना उनकी सेवा करना, करना और ये हेल्प करेगा मेरे प्योरिफिकेशन में बट ये जैसे मूवी में बताया जा रहा है अब यही बात भगवान 9.34 में भी बोल रहे हैं कि यू शुड थिंक ऑफ मी यू शुड वर्शिप मी है ना एंड बाय सच वर्शिप यू विल बी कम बैक टू मी और इवन गाइस लोग भगवत गीता के 80 चैप्टर में भगवान ने फिर से बोला हां 6.65 में बट एक्चुअली वही है ना कि लोग ना शास्त्र पढ़ते हैं और ना, ना ही जो जानते हैं इसका आंसर तरीका क्या उससे पूछते हैं बट एक प्रोपोगंटा रन करने के लिए बार बार बैक टू बैक मूवीज बनाते हैं और यही सवाल उठाते हैं बट मैंने नहीं देखा कि कभी आमिर खान या ऐसे लोग जनरली इस क्वेश्चन का आंसर देना चाह रहे हैं है, बात करने हाँ आंसर आंसर ढूंढना चाहिए ना बट ये एक प्रोपोगा एक नेरेटिव चला लेते हैं कि नहीं देखो गलत है गलत है गलत है और चार पांच ऐसे कैरेक्टर्स बनाते हैं खुद लिखते हैं और अपने हिसाब से तो दिखाते हैं कि ये तो धंधा करने बैठे हैं yes. पर हम धंधा करने नहीं बैठे आप पूछेंगे तो आप जवाब देंगे so, अच्छा है हम आ, वीडियो के थ्रू ही अपने ऑडियंस से अपने व्यूअर्स से बोल सकते हैं कि सिर्फ प्रार्थना ही नहीं करते हम भगवान के साथ हमें एक अपॉर्चुनिटी मिलती है तो भगवान की सेवा करते हैं भगवान को सर्व करना चाहिए तो फ्रॉम टुडे हम लोगों को एटलीस्ट अपनी ऑडियंस से ये रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हम भी भगवान से सिर्फ मांगे ही नहीं उनके लिए भी कुछ करें जीवन है मांगते ही रहते हैं कभी उनके लिए भी कुछ समय निकाल के लिए उनकी खुशी के लिए भगवान की खुशी के लिए भी कुछ कार्य करें और ये जो स्क्रिप्चर्स जो भगवान ने स्पेसिफिकली हम हम लोग के लिए ही दी गए है उसको हम पढ़ें है ना उसको पढ़ें और उससे हम डेवलप करें अपने आप को और अदरवाइज हम ऐसी जो हंसी मजाक में जो ऐसे झूठ बोले जाते हैं कि कश्मीर मुगलों ने दिया था उसमें हम उलझ के उसी को सच्चाई मान लेंगे हाँ बिकॉज पता मुझे नहीं लगता कि 99 परसेंट लोगों को पता भी होगा कि शास्त्रों में कश्मीर के बारे में वर्णन है या इतनी या यहाँ पे एक नेरेटिव चल जाता है कि मुगलों ने कश्मीर ढूंढा है आगे चल के लोग इसी को हिस्ट्री समझेंगे हाँ मुस्लिम या मुगलों ने अटैक किया तो हमें ये दिया वो दिया वो दिया तो ऐसा कुछ नहीं है हम अपने शास्त्र पढ़ेंगे तो हमें ऐसी ऐसी चीजें पता चलेगी आप खुद हैरान हो जाओगे कि इतना कुछ ऑलरेडी है पर हमारे अपना जो इतिहास है उसको कोई जानना नहीं चाह रहा सो so, जाते जाते आपसे यही बोलेंगे कि अगर आपको भी कोई डाउट है कोई प्रश्न है कुछ पर्सनल आपको जानना चाहते हैं या कि आप कैसे ये भगवत गीता ढंग से पढ़े और समझें क्योंकि समझना भी एस है अभी ऐसे इंपॉर्टेंट है इक्वली तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप जो लिंक डिस्क्रिप्शन में है उसको ज्वाइन कर सकते हैं और जितने भी हमने रेफरेंसेज जो कोट किए हैं हम उसको उन सबक हम मैंशन करेंगे हमारे नीचे के आप जरूर पढ़िएगा डिस्क्रिप्शन में ज़रूर पढ़िएगा उसको और जाते जाते बस आपसे ये बोलेंगे कि हाँ हम लोग जो प्रयास कर रहे हैं आप सब हमें सपोर्ट करिए हमारा प्रयास ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने कल्चर की अपने भगवत गीता की टीचिंग्स को आगे तक पहुँचाया जाए इसके लिए आप हमें फाइनेंशियली भी सपोर्ट कर सकते हैं वॉलेंटरी भी सपोर्ट कर सकते हैं तो अगर आपको लगे कि आपका आप हमारा मिशन आपके लिए हेल्पफुल है तो आप प्लीज़ हमें सपोर्ट करें और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा वीडियो जरूर लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में आपको आप बताइएगा कि अगली किस वीडियो पे हम रिएक्ट कर सकते हैं और ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में बताइएगा और हो सके तो वीडियो को दूसरों से भी शेयर कीजिएगा थैंक यू सो मच हरे कृष्णा